जय हिंद, वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आज एक बार फिर से मैं क्लास 12 के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं, जिसमें हम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डेली आपकी प्रैक्टिस क्लास रहती है, आज 12th क्लास हमारी ये रहेगी जीके एंड साइंस के सेक्शन की, जिसमें हम इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा जो अभी हाल ही में गठित हुआ है उसके द्वारा कुछ नए क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी आप डाउनलोड कीजिए। वेरियस टाइप के हमारे कोर्सेज वहाँ पे आपके लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कुछ पेड कोर्स जो है वो आपके लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.vijaypatheducation.com के ऊपर विजिट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में आप थोड़ा सा चेक कीजिए कि इसका राइट आंसर रहेगा। बायलैंगुअल क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटर, तो विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। राज्य में शांति स्थापित करना, कानून बनाना, बजट पास करना, या फिर कार्यपालिका पर नियंत्रण, तो आपको ये बताना है कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। जो भी हमारे विधायिका है यानी कि जो हमारी विधानसभा है उसका आपको यहाँ पे बताना है कि उसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है मेकिंग लॉ, यानी कि ऑप्शन बी कानून बनाना जो है इसका राइट आंसर रहेगा। कानून बनाना इसका राइट आंसर रहेगा, मेकिंग लॉज। आप सभी जानते हैं संविधान के अनुसार भारत के संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, जिसमें से सबसे पहली आती है लोकसभा, ठीक है, उसके बाद आती है राज्यसभा, और अंतिम पे जो आते हैं वो आते हैं उसके राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सुपीरियर कंट्री इन द वर्ल्ड, आपको बताना है किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये आपको बताना है सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे जो लंबा, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है या फिर बड़ा संविधान जो है वो किसका है, हमारे भारत का है। तो दुनिया में कहीं ना कहीं भारत की जो है एक अलग ही पहचान है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। डेली विजयपथ एजुकेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आता है, जिसमें से आज हमारी क्लास 12th रहेगी, जो कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो गठित हुआ है उसके द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम यहां पर आपके सामने डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति भवन वाज बिल्ड इन, राष्ट्रपति भवन किस वर्ष बनाया गया था ये आपको बताना है। राष्ट्रपति भवन किस साल में बनाया गया था, 1852 में, 1910, 1947 या फिर 1986 में। तो राष्ट्रपति भवन जो है वर्तमान में जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, 1910 में जो है ये बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1910 में जो है इसको बनाया गया था, लेकिन इसका कार्य जो है, इसका जो कार्य है वो 1912 में शुरू किया गया था। देखिए, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी 1912 में, ये स्टार्ट किया गया था कुछ कारण की वजह से, और 1929 में जो है इसको पूरा का पूरा इसका काम जो है वो फिनिश कर दिया था, यानी कि 1929 में ये पूरा का पूरा बनके तैयार हो गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एसएससी एमटीएस में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं, हाउ मेनी डिजिट आर देयर ऑन अ डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं आपको बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड हम जिसको बोलते हैं, तो कितने अंक होते हैं उसमें ये आपको बताना है। तो इसमें टोटल कितने हैं, 16 अंक होते हैं, कितने होते हैं 16 अंक। अगर आधार कार्ड की मैं बात करूं तो आधार कार्ड का भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, आधार कार्ड में कितने होते हैं, 12 अंक होते हैं, आधार कार्ड में
12 अंक और एटीएम या फिर डेबिट कार्ड जो है उसमें कितने अंक, 16 अंक। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, मैक्सिमम वेट कब होगा, जब वो भूमध्य रेखा पे है, पृथ्वी की सतह पर है, उसके केंद्र पर है या फिर ध्रुवों पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्सिमम वेट कहाँ पर होता है, उसके पोल्स के ऊपर होता है यानी कि जो इसकी एज है वहां पर होता है या फिर उसके सेंटर में होता है, ये चीज आपको बतानी है। देखिए पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं यानी कि जो पोल है वहां पर जो है क्या होता है, मैक्सिमम वेट होता है। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जो जी का मान है यानी कि जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी का मान जो है वो उसके पोल्स के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा कहाँ पर, पोल्स के ऊपर होता है। और जब ये पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाता तो वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह के जब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो जी का मान हमेशा क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है, द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए अभी मैंने पोल्स की बात को कर ली, ठीक है, पोल्स पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, सबसे अधिक उसके ध्रुवों पे होता है। लेकिन जब सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में कितना होता है, वो हमेशा जीरो रहता है। यानी कि जो स्मॉल जी की वैल्यू आएगी, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितनी आएगी, वो आएगी जीरो। तो इसलिए पृथ्वी के सेंटर, सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वो वेट ऑफ बॉडी क्या रहता है, जीरो रहता है। तो वेट हमारा कभी भी चेंज हो सकता है। अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज करता हूं, अगर मैं पोल्स पे खड़ा हूं तो मेरा वेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं सेंटर पे खड़ा हूं तो जीरो है। इसका मतलब वेट जो है वो अपना नेचर चेंज करता है, वेट एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। लेकिन जब अगर मैं मास की बात करूं तो मास जो है वो हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जिसको हम कमानी तुला बोलते हैं, किस सिद्धांत पे कार्य करती है स्प्रिंग बैलेंस, किसके ऊपर जो है वो वर्क करती है, ये हमें बताना है। जैसे कि जो बेटिंग मशीन होती है हमारी, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, कमानी तुला का मतलब होता है जिसको हम हिंदी में या नॉर्मल लैंग्वेज में तराजू बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इस तराजू में, यहाँ पे एक हुक लगा होता है टांगने के लिए, और यहाँ पे एक इस तरीके का एक जो है वो तराजू लगा होता है। ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस करते हैं। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है ये, हुक्स लो के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, हुक्स लो के ऊपर। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन इट, इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, जब स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के, तो उसके ऊपर जो अप्लाइड स्ट्रेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हुक्स लॉ कहते हैं। हुक्स लॉ क्या है हमारा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही हमारा क्या है, हुक्स लॉ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं, क्या उसका कारण होता है, तो देखिए उसका जो कारण है वो है उसकी विस्कोसिटी एंड बायोंसी। बायोंसी का मतलब होता है तैरना, इसी कारण वायु के बुलबुले जो हैं वो उसके ऊपर तैर जाते हैं, उसके ऊपर जो हैं वो उठते हुए प्रभावित लगते हैं, ड्यू टू विस्कोसिटी एंड बायोंसी। लॉ ऑफ बायोंसी किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका कितना हिस्सा पानी के बाहर दिखाई देता है, आपको बताना है कितना हिस्सा पानी के बाहर दिखाई देता है, तो 10% भाग जो है, 10% भाग कहाँ होता है, उसके बाहर होता है। लेकिन हमें प्रतिशत में बात नहीं बतानी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतानी है। तो 10% का मतलब कितना हुआ, 10/100, इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 0.1, देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारी क्लास जो है एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों के ऊपर हमारी डेली लाइव चलती है। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन गवर्नमेंट विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन को आप डाउनलोड करें। जल्दी ही एक नई क्लास के साथ मैं मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।